मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। राजधानी भोपाल में शनिवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सावित्री तिवारी का जन्मदिन प्रदेश कार्यालय में उनके समर्थकों द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर जन्मदिन के कार्यक्रम आयोजित होते रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दर्जनों केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। वहीं ढोल नगाड़ों व आतिशबाजी करके उनका स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सावित्री तिवारी ने इस मौके पर कहा कि समर्थकों द्वारा भव्य रूप से उनका जन्मदिन मनाया गया, जिससे वह बहुत खुश हैं और आने वाले समय में समाज हित के लिए वह लगातार कार्य करते रहेंगी। उन्होंने कहा कि जब वह छोटी थी तब से उनका जन्मदिन भव्य रूप से मनता आ रहा है। जब छोटी थी तो उनके माता पिता अक्सर उनके जन्मदिन के मौके पर भव्य आयोजन करते थे और अब अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से जुड़ी हैं तो ब्राह्मण समाज उनका जन्मदिन भव्य रूप से मनाता है, जिससे वह काफ़ी प्रसन्न है। कि मैं राजनीतिक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के कहे हुए कथन की मैं पुष्टि नहीं करता हूं। वो जिन्होंने भी कहा है, जैसा कि आपने बताया, जिन्होंने भी कहा वो अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर कहा है, इससे संगठन का कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ ब्राह्मण की बात करते हैं और ब्राह्मण समाज उसका सपोर्ट करता है या उसका खंडन करता है? देखिए, ना मैं सपोर्ट करता हूँ ना खंडन करता हूँ, और मैंने वो उनके वाक्य को सुना भी नहीं है, तो मैं उसके लिए मैं मतलब कोई अपने वाक्य नहीं बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा क्या ब्राह्मण के साथ जी। ये एक रीट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें एक विकास मिश्रा नामक एक लड़का है जो रीट की एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे और वो 9:30 बजे का समय था जो कि एग्ज़ाम था और वो 2-4 मिनट लेट हो गए। तो जब वहाँ पर वो गए तो पर्यवेक्षक द्वारा उनके कपड़े उतारे गए और उनको ये कहा गया है कि ये जो धागा है इसको भी उतारो, जबकि ये ब्राह्मण समाज का वो धागा नहीं है। हमारे संस्कार होते हैं, खोटे संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, उनमें से यज्ञोपवीत सबसे अति महत्वपूर्ण है और उसको धागे का की संज्ञा दी गई और उसको उतरवाया गया। ये जो मौली होती है जो हम हाथ में कलाई में बांधते हैं, उसको उतरवा दिया गया। तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ऐसे कृत्य की और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी की ऐसे कृत्य की घोर निंदा करता है और हम सोमवार को 5:30 बजे भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पे राजस्थान सरकार का पुतला दहन करेंगे और अपने मध्य प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे कृत्यों की अवहेलना ना की जाए और ऐसे कृत्य बार बार रिपीट ना हो, या किसी भी ऐसा हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, कोई भी प्रदेश, किसी भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे अन्य कोई समाज का हो, समाज को इंगित करते हुए किसी भी प्रकार के कोई शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए या हमारे परिवेश को लेकर के कोई भी ऐसी चीज़ें ना कही जाए। देखिए भैया, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहली बात तो ये है कि मेरा जन्मदिन 2 अक्टूबर को आता है। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यही है, मेरे परिवार में भी जब मैं छोटी सी तब से ही मेरा जन्मदिन मनाया जाता है, बाकी मेरे सारे भाई बहनों का किसी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। तो बचपन से ही पिताजी माताजी सभी लोगों ने मेरा जन्मदिन मनाया। जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो संगीत के क्षेत्र में आए तो हमारी शिष्या ने हमेशा से बहुत बड़े स्तर पे जन्मदिन मनाते आ रहे हैं और अब मैं ब्राह्मण समाज की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पूरे मध्य प्रदेश की हमारे बहन भाइयों ने इतने उत्साह से मेरा जन्मदिन मनाया है। मैं सभी बहन भाइयों की और सभी आप सभी मीडिया प्रभारियों की सभी की हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।